मैं प्राची हूँ, अजीम प्रेमजी स्कूल क्लास 3 की क्लास टीचर हूँ। मेरी क्लास में बच्चा बैंक करके एक एक्टिविटी चल रही है। इस एक्टिविटी में बच्चे अपने घर से पैसे लेकर आते हैं और उस क्लास में जमा करते हैं और काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं पूरी एक्टिविटी को करने के दौरान। ये एक्टिविटी मेरे कैसे ख्याल आया, तो इस एक बार मैं लैंग्वेज क्लास में लैंग्वेज ही पढ़ाती हूँ, लैंग्वेज की टीचर हूँ हिंदी इंग्लिश की। मेरी क्लास में अक्सर बच्चे पैसे लेकर आते हैं और कई बार तो वो क्लास में पैसे बजा बजा के डिस्टर्ब भी करते हैं और मैं उनके पैसे लेके यूजुअली रख लेती हूँ अपने पास और छुट्टी में वापस कर देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास से पैसे खो भी जाते हैं, अगर मुझे पता नहीं चलता तो वो खेलते टाइम कहीं पर भी पैसे गिरा देते हैं। तो एक दिन मेरी क्लास में एक बच्चा पैसे बजा बजा के 2 रुपये के सिक्के लाया था और वो बजा बजा के डिस्टर्ब कर रहा था पूरी क्लास को। 2-3 बार मैंने उसको देख के भी इशारा किया कि मत करो ऐसे। तो फिर मुझे दूसरे बच्चों ने शिकायत की कि मैम इसके पैसे लेके रख लो, ये पैसे बजा रहे हैं। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना क्लास में बैंक खोल दिया जाए जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करें। अब वो पैसे तो लेकर ही आते हैं अपने साथ छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। तो मैंने अपनी क्लास को वहीं रोक के बच्चों से पूछा कि हमारी क्लास में अगर बैंक खुले तो तुम्हें कैसा लगेगा। बच्चे बहुत खुश हुए, हमें बैंक मतलब हमारा बैंक क्या करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए उनके पास कि मैम मम्मी पापा पैसे जमा करेंगे, मैम आप भी पैसे जमा करोगे, टीचर्स भी जमा करेंगे पैसे। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, हम बस आप ही लोगों के लिए खोलते हैं बैंक और पैसे तो लेकर ही आते हो, तो जमा कर देंगे पैसे और पासबुक दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें उसमें लिख लेना और तुम्हें जब ज़रूरत हो तो ले सकते हो पैसे। तो बच्चों को बड़े एक्साइटेड हुए उस चीज़ के लिए कि अरे हमें पैसे मिलेंगे, हम अपने पैसे जमा करेंगे अपने बैंक में और हमारा बैंक बनेगा। इस तरह करके बच्चे काफ़ी खुश थे। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि चलो बैंक का नाम भी बताओ, क्या नाम हो सकता है बैंक का। तो एक बच्चा बोला कि भारत बैंक। मैंने उसको बोला कि बच्चों ये बैंक भारत का नहीं है, ये अपनी क्लास 3 का बैंक है, तो ऐसा कोई नाम बताओ जिससे लगे कि हाँ छोटे बच्चों का बैंक है। तो एक बच्चा बोलता है बच्चा पार्टी बैंक। मैंने उसको बोला बेटा हम पार्टी तो नहीं बना रहे हैं कोई इलेक्शन में खड़ी करने के लिए, बैंक खोल रहे हैं, तो ऐसा नाम सोचो जो बैंक का हो सकता है। तो फिर सब बच्चों ने बच्चा बैंक बोला। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा नाम है, बच्चों का बैंक है तो बच्चा बैंक। तो बच्चा बैंक करके हमारा उस दिन बैंक खुल गया और अगले दिन 3 बच्चों ने मुझे पैसे जमा करे तो 33 रुपीज़ से हमारा वो बैंक शुरू हो गया। वो बच्चे खुशी पैसे लेकर आते थे और अब मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं उस चीज़ का ट्रैक कैसे रखूं। तो मैंने एक नोटबुक बना ली, उसमें बच्चों के लिए लेजर की डेली बेसिस पे जो भी पैसे लेकर आते थे मैं अपने नोटबुक में उसे नोट कर लेती थी, जिससे कि मुझे भी पता रहे कि बच्चों के पास बच्चों ने कितने बच्चे पैसे जमा कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि बच्चों के पास थोड़ी पासबुक्स भी होनी चाहिए और मैंने बच्चों को पासबुक भी बना के दे दी। 2-4 वेस्ट पेपर से मैंने पासबुक बना के दे दी जो ये है, नाम लिखा है और अकाउंट नंबर लिखा है। और उनको बोला कि तुम अपने आप ही इस पर कोई ड्राइंग वगैरह बना लो और अपने पास रख लो, ये वेस्ट पेपर की पासबुक्स हैं। तो जब मैंने बच्चों को पासबुक्स दी तो दूसरे बच्चों को भी एक्साइटमेंट हुआ कि हमें भी पासबुक मिले। तो शायद पासबुक के लिए उन्होंने पैसे जमा लाना शुरू कर दिए कि हमें भी पासबुक होनी चाहिए, हमारे पास भी होनी चाहिए। तो मैंने जब बच्चों के लिए पासबुक बना रही थी तो एक मैं सोचने लगी कि चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब इसको लर्निंग प्रोसेस में मैं कैसे देखती हूँ कि क्या बच्चे से कुछ सीख रहे हैं। तो जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि बच्चे से कितना कुछ सीख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लिखना और थोड़ा बहुत बैंकिंग प्रोसेस के बारे में भी वो जान रहे हैं कि किस तरह से बैंक में पैसे जमा करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, और ये सारी बातें भी बच्चे सीख रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ के लिए कि मैंने ये सोच के तो स्टार्ट नहीं किया था कि मैं बच्चों को प्रॉपर बैंकिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी इन सब चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन फिर भी अगर उनके पास एक मौका है सीखने का तो मुझे लगता है कि उन्हें सीखना चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों की बात क्लियर कर दी कि वो लोग अपनी पासबुक खुद ही फिल करेंगे और क्या करना है कैसे करना है मैंने एक दिन बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। 3 बच्चे जिन्होंने बैंक स्टार्ट किया था उन बच्चों को पासबुक देने के बाद भी मैंने क्लियर कर दिया, बोर्ड पे फॉर्मेट बना के दिया कि इस तरह से फॉर्मेट है और ये वो फॉर्मेट है कि जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स,
और जमा रकम और निकाले रकम और टोटल अमाउंट लिखी हुई है। ये बच्चे अपने आप भरते हैं, उनको मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि आप लोग इसे खुद ही भरेंगे और मुझसे एक बार चेक करवाएंगे और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने उन्हें बता दिया था कि जब भी हम रकम जमा करेंगे तो वो जुड़ जाएगी और जब हम माइनस करेंगे तो कुछ कम हो रहा होगा तो वो आप उसे निकालेंगे तो वो माइनस करना है आपको। तो बच्चों ने मुझे सिर्फ तीन बच्चों को ये काम बताना पड़ा, बाकी बच्चों को मैंने नहीं बताया। उन तीन बच्चों ने ही एक दूसरे को बता बता के पूरी क्लास में ये काम हो गया। तो पीयर लर्निंग बच्चों ने पीयर लर्निंग के थ्रू पासबुक अपनी फिल करनी और मेंटेन करनी सीख ली है। जब मेरे पास रकम बढ़नी शुरू हुई तो फिर मुझे लगा कि इसके लिए सेफ जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ कम भी हो सकती है रकम, कुछ निकाल भी सकता है कोई जना। तो फिर और दूसरी बात मुझे ये लगी कि इस बारे में प्रिंसिपल को ज़रूर पता होना चाहिए हमारे स्कूल के। तो एक दिन मैंने प्रिंसिपल से बात करके उनसे कहा कि मुझे ऐसे मेरी क्लास में एक बैंक चल रहा है और मुझे इसके लिए एक लॉकर चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को ये बात क्लियर कर दी थी कि उन्होंने अपनी बचत में से ही पैसे ला के जमा करने हैं और पेरेंट्स से फोर्सफुली नहीं मांगने, ज़िद करके नहीं लेकर आने हैं कि हमने बैंक में जमा करने के लिए पैसे, तो हमें बस आपको जो एक रुपये दो रुपये डेली के मिलते हैं उसमें से ही अगर आप कुछ बचा के ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चे ऐसे ही करते थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ बच्चे देर ज़िद करके पैसे लेकर आए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल को ये बात बतानी ज़रूरी समझी। और जब मैंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू ही अकाउंट खुलवाएं, या बच्चों के जिनका अकाउंट खुल चुका है उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दें फिल करने के लिए, ताकि उनको ये पता रहे कि बिना एप्लीकेशन फॉर्म के अकाउंट नहीं खुलता है। इससे वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना सीखेंगे और उनको लिखना भी थोड़ा बहुत आएगा और स्पेलिंग्स वगैरह सीखेंगे। और उन्होंने मुझे एक और बात बोली कि क्यों ना मैं बच्चों से विड्रॉल स्लिप और डिपॉजिट स्लिप के थ्रू ही डिपॉजिट और विड्रॉल करवाऊँ। तो फिर मुझे भी एक अच्छा लगा काफ़ी आइडिया उनका, कि बिल्कुल सही बात थी कि बच्चे लिखना पढ़ना सीख रहेंगे उससे और उनको एक प्रॉपर प्रोसेस भी पता चलेगी कि अगर हम कुछ नया शुरू करते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना चाहिए। फिर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म और विड्रॉल स्लिप का फॉर्मेट तैयार करके रखा अपने पास और बच्चों को वो भरने के लिए दिया है, बच्चों से वो भरवाया था। नेक्स्ट पीटीएम में जब पेरेंट्स आए तो मैंने उनको ये बात उनसे बातचीत की और उनको ये अपनी क्लास में चल रहे बैंक के बारे में बताया और ये जानने की कोशिश की क्या वे जानते हैं कि स्कूल में बच्चे इस तरह से पैसे जमा कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि लगभग सभी पेरेंट्स को पता था कि बच्चे स्कूल में इस तरह से पैसे जमा कर रहे हैं अपने बैंक में, और उन्होंने बहुत खुशी से वो पासबुक भी घर जाके दिखाई है और पेरेंट्स भी इस बात से काफ़ी खुश थे कि बच्चे कुछ पैसे बचाना सीख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो अपने बच्चों को पैसे देते हैं और अगर वो उसमें से एक दो रुपए बचा रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मेरी क्लास में सभी बच्चों के अकाउंट खुले हुए हैं और सभी बच्चे पासबुक अपने आप मेनटेन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब खुद करते हैं, अपने आप ही लाइन्स ड्रॉ करते हैं और वो ला के मुझसे चेक करवाते हैं और मैं उनकी लाई हुई पासबुक्स पे एक बार खुद पेन चला के उस पर अपने सिग्नेचर करती हूँ। और जिसमें आप देख सकते हैं ये पासबुक है जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों ने पैसे जमा करे हैं निकाले हैं और मैं उसे चेक करती हूँ और अपने लेजर में रखती हूँ। और उन इस लेजर के बाद एक ये मेरा डेली का लेजर है जिसमें मैं डेली के लाए हुए पैसे बच्चों के जमा करती हूँ। इसके आगे आप देख सकते हैं कि D और W लिखा है जिससे मुझे पता रहता है कि डिपॉजिट है या विड्रॉल है। सब कुछ करने के बाद आज मैं उस स्टेट पे हूँ जहाँ पे मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि एक कन्फ्यूजन से शुरू किया गया काम एक लर्निंग प्रोसेस में बदल चुका है। आज मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इन सारे कामों में मेरी क्लास के 40 मिनट्स में से 5-7 मिनट तो चले ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे मेरे पास अपनी छोटी छोटी पासबुक्स लेकर आते हैं, मैम हमने कर लिया, हम मेरे पैसे जमा कर लीजिए, हमने पासबुक में लिख भी लिया है। और उस वक्त मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये 5-7 मिनट जा रहे हैं लैंग्वेज ना सही बहुत कुछ और भी तो बच्चे सीख रहे हैं। थैंक यू।